अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि IUI क्या होता है। IUI इन यूट्रो इंसेमिनेशन को कहते हैं। इन यूट्रो इंसेमिनेशन ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का एक मेथड है जिसमें हम तैयार करते हैं खातून का एग और मेल के स्पर्म प्रिपेयर करके उनको आपस में मिलाते हैं। ये एक वो तरीका है जिसमें अगर आप दवाइयाँ कपल खा खा के तंग आ चुके हैं और हमल नहीं हो रहा तो हम इस तरीके से हेल्प आउट करते हैं कि हमल कैसे होता है। इस तरीके में हम खातून को कुछ मेडिसिन देते हैं और कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जिसके ज़रिए एक खातून का जो एक महीने में एक एग जो प्रिपेयर होता है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, उसका हमें अच्छा साइज अटेन हो जाता है। तो मिड साइकिल में यानी कि पीरियड्स के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसमें जो है एग जो हमारा तैयार हो जाता है उसको हम हेल्प आउट करते हैं इन इंजेक्शन के ज़रिए कि उसका साइज अच्छा हो जाए। और जब उसका साइज अच्छा हो जाता है डे 14 पे हम ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो एग रिलीज हो जाता है और 24 आवर के अंदर अंदर हम ये प्रोसीजर करते हैं। और इस प्रोसीजर में किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक जस्ट एक स्मॉल सा IUI कैनुला होता है उसकी मदद से हम यूट्रस के अंदर उस कैनुला को डाल के प्रिपेयर्ड जो सीमन है जो वॉश स्पर्म उसके अंदर होते हैं वो इंजेक्शन की मदद से पुश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है क्योंकि हमने फॉलिकुलर ट्रैकिंग की है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमने देखा है कि एग का साइज सही सेट हो गया है, उसके मुताबिक हमने यानी कि प्रिपेयर करके खातून को और मेल के स्पर्म को भी प्रिपेयर करके इंजेक्शन की मदद से हमने अंदर पुश किया। अब हम ये जानना चाहें आपको बताना चाहेंगे कि किन कंडीशंस में हम IUI करते हैं। जहां माइल्ड मेल और माइल्ड फीमेल फैक्टर हो इनफर्टिलिटी का, उसमें माइल्ड से क्या मुराद है, जैसे फीमेल का उसको PCOS का प्रॉब्लम हो, उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो लेकिन हमल ना हो रहा हो, और मेल में ओलिगो स्पर्मिया हो यानी उसका स्पर्म काउंट कुछ कम हो या उसका जो है इमोटाइल स्पर्म हो, डेड स्पर्म हो, तो अगर 50% भी एक्टिव स्पर्म है, 60% भी एक्टिव स्पर्म है तो हम उनको IUI के ज़रिए हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं फर्टिलिटी को। सक्सेस रेट इसका 30% है, 3 चांसेस अगर आप अवेल करते हैं। तीन चांसेस से मुराद ये है कि अगर एक साइकिल में आपका चांस फेल हो गया है, IUI कामयाब नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट साइकिल में दोबारा एक चांस ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप 3 कंजेक्टिव चांस लेते हैं तो 30% सक्सेस रेट है। यानी 10 खवातीन का अगर मैं IUI करती हूँ एक महीने में तो उनमें से 3 प्रेगनेंट होती हैं, 7 नहीं होती, तो 100% सक्सेस रेट नहीं है, सिर्फ 30% सक्सेस रेट है, वो भी 3 चांसेस का। और कॉस्ट जो है इसकी वो 25,000 तक, इसका जो एक सिटिंग एक चांस की जो कास्ट है वो 25,000 है इस प्रोसीजर की कास्ट। इसके अलावा TVS के थ्रू हम फॉलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं। TVS क्या होता है? TVS है ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड, यानी अंदरूनी अल्ट्रासाउंड जिसकी मदद से हमें अच्छे तरीके से नज़र आता है कि यूट्रस में एंडोमेट्रियम की क्या कंडीशन है, आपकी बच्चेदानी सेहतमंद है या नहीं है, और अंडे अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और अगर अंडे कमज़ोर बन रहे हैं तो हम उनको हेल्प आउट करते हैं हम दवाइयों की मदद से और इंजेक्शन्स की मदद से उन अंडों को अच्छा तैयार करते हैं। एक महीने में एक एग तैयार होता है और उससे प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। ये होप है उन कपल्स के लिए जो नाउमीद हो चुके हैं दवाइयाँ खा खा के कि वो आएँ और ज़ैनब सफर्टिलिटी क्लिनिक पर IUI करवाएँ और इस चांस को बढ़ा सकें। तो जितने लोग वो मेरे बहन भाई जिनकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल हैं, या वो ख्वातीन जिनके हस्बैंड कराची में, दुबई में, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री कारोबार करने के लिए या जॉब के लिए गए हुए हैं और वो साल में एक आध दफ़ा आते हैं 1 या 2 महीनों के लिए, तो उनके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है कि वो IUI के ज़रिए अपनी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी करवा सकती हैं। क्योंकि हम कंट्रोल तरीके से जब ये काम करते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस नेचुरल की निस्बत बढ़ जाता है। तो वो ख़वातीन हज़रात जो आपस में मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह रहे, अलग अलग रह रहे हैं और कभी कभार उनकी मुलाकात होती है तो उसमें IUI का चांस बढ़ जाता है और उनका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है आम मरीजों से। इसके अलावा PCOS की ख़वातीन, वो ख़वातीन जो ओवर वेट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या वो मेल जिनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है काउंट में या मोटिलिटी में, वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। IUI आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।